हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाला हूँ कपिल भैया के शॉप में, मतलब फिश के होलसेल मार्केट में। तो मेरे यहाँ का स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था, तो आज मैं थोड़ी सी फिशेज लेने जा रहा हूँ। मतलब एक्चुअली मैं भी कोलकाता से फिशेज मंगाता हूँ, बट कभी कभी यहाँ से भी नागपुर से भी फिशेज बाय कर लेता हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ कपिल भैया के शॉप में। और फ्रेंड्स, आज मैं फ़िशेस के रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स कैसा होता है कि दूसरे शॉपकीपर का उसके वजह से थोड़ा सा बिजनेस ख़राब हो जाता है, तो मैं फ़िशेस के रेट नहीं बता पाऊंगा। चलो लेट्स गो। फ्रेंड्स, अभी आ गए हम लोग कपिल भैया के शॉप में, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ऑस्कर्स है, और ये सब ऊपर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि हम लोग फूड डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो ऑस्कर्स होती है ये चिकलेट वैरायटी में होती है, और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कैटफिश है। और ये हमारा ऑस्कर्स का अल्बिनो कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल्ड फिश है। और इन्हें बहुत से लोग बाउल में रखते हैं, इन्हें बाउल में नहीं रखना चाहिए। इन्हें टैंक में कम से कम 1 गैलन का तो भी टैंक होना चाहिए। और ये ऑस्कर्स देख सकते हैं कितनी प्यारी ऑस्कर्स है, और इनके कलर्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर्स है, कितने अच्छे इनहांस हो गए हैं इनके कलर्स। और फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बड़ी ऑस्कर्स है, और ये चिकलेट वैरायटी में आता है, तो इनको सॉफ्ट फिशेस के साथ नहीं रखना चाहिए। और ये हमारा टाइगर ऑस्कर्स, कुछ कॉपर ऑस्कर्स है फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छे ऑस्कर्स है आप देख सकते हैं। इन्हें भी लग रहा है हम लोग फूड डाल रहे हैं, तो ये बार बार ऊपर आ रहे हैं फ्रेंड्स हमें देख के। और एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमने जैसा इस यहाँ पे इन्हें रखा है, बहुत सारा ऑस्कर्स है। बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम लोग इतना सारा ऑस्कर्स रखते हैं, तो ये थोड़ी सी अटैकिंग नेचर की है, तो ये एक दूसरे पर अटैक करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फिशेज है ये 2-5 डेज में सेल हो जाती है, इसलिए हम लोग इतना सारा ऑस्कर्स रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको 2-3 पेयर ऑस्कर्स ही रखना है, इससे ज़्यादा ऑस्कर्स नहीं रखना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मॉलीज है, और मुझे ये बहुत सी मॉलीज इसमें लोडेड दिख रही है, और मेल्स भी पूरे एडल्ट दिख रहे हैं, तो ये शायद घर पे ले जाके ही बच्चा दे देगी फ्रेंड्स। तो अगर आप के घर पे अगर ऐसा कभी कुछ होता है, तो आपको बेबीज़ को अलग निकालना है, नहीं तो यही मॉली अपने बेबीज़ को खा लेगी, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा टाइगर बाप्स का अल्बिनो है, और इनके कितने अच्छे कलर्स है, और कितने अच्छे से खेल रहा है ये आप देख सकते हैं। और ये फिश कौन सा है फ्रेंड्स, ये फिश है फ्रेंड्स एलिगेटर गार। फ्रेंड्स, ये जो फिश होता है ये मतलब इसका जो नोज़ होता है वो एलिगेटर के जैसा होता है, इसको टीथ भी एलिगेटर के जैसे ही होते हैं, इसलिए हम इसे एलिगेटर गार कहते हैं। और ये हमारा ब्लू ज्वेल है फ्रेंड्स। अगर आप फिश टैंक में ब्रीड कराना चाहते हैं फिशेस को, तो ये जो फिश है ये बहुत अच्छा होता है ब्रीडिंग के लिए, बहुत जल्दी ब्रीड कर जाता है। और ये हमारा सेवरम, कितने अच्छे कलर्स है। और ये फ्रेंड्स हमारा अरवाना फिश है फ्रेंड्स, जिसके तो मतलब सभी दीवानी है, मतलब ये बहुत लकी फिश होता है फ्रेंड्स, सब लोग इसको पालना पसंद करते हैं, इसे सिंगल ही रखते हैं घर के वास्तु के लिए फ्रेंड्स। ये फिश बहुत अच्छा होता है, और आप देख सकते हैं ये अरवाना कितना एक्टिव है, कितना अच्छे से खेल रहा है। इसका मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और ये हमारी शार्क फ्रेंड, अभी हमारे शॉप के लिए थोड़ी फिशेस पैक कर आते हैं, और अभी हम फिशेस की पैकिंग करेंगे। और ये छोटू अभी फिशेस को की काउंटिंग कर रहा है, और ये हमने थोड़ी बहुत गोल्ड फिश ली है, अब आप देख सकते हैं बकेट में। अभी छोटू हमारे लिए फिश काउंट कर रहा है और फिशेस ऐड कर रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो होते हैं मुझे पूछते हैं, आप फ़िश के मतलब नंबर क्यों नहीं डालते हो, मतलब वीडियो में आप रेट भी नहीं बताते हो कि फ़िश के रेट्स क्या है। देखो फ्रेंड्स, अगर फ़िश के रेट्स बता दूंगा और नंबर्स आपको दे दूंगा होलसेलर के, तो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बहुत उनको फ़ोन करते हो, उसके कारण वो परेशान हो जाते। तो आप इसके लिए आप नीचे कमेंट करें, अगर आपको किसी को फ़िशेस चाहिए होलसेल या रिटेल में, आप नीचे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। उसके साथ मैं इंस्टाग्राम का नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप मुझे वहां से भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मतलब होलसेल या रिटेल में फिशेस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और फ्रेंड्स,
अभी हमारी फिशेस पैक हो रही है और आप देख सकते हैं भैया कितने अच्छे स्माइल कर रहे हैं। इनकी भी शॉप है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स अगर आप नागपुर से हैं तो सीधा मेरे शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। आप नीचे मैसेज करें, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी मेरी फ़िशेस पैक होने वाली है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में मेरी फ़िशेस पैक हो जाएंगी, तो चलते हैं फिर मेरे शॉप पे। और ये हमारी फ़िशेस अभी पैक हो रही है, अभी हम इसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो शॉप है फ्रेंड्स अराउंड हमें यहाँ से कपिल ब्यासी के शॉप से लेकर घर जाने तक 30 मिनट्स लगते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग इसमें ठीक से ऑक्सीजन फिल कर रहे हैं। हमारे पैकेट्स में हम लोग ऑक्सीजन डालेंगे। ये हमारी फिशेस पैक हो चुकी है, तो चलो शॉप पे चलते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स अभी हम हमारे शॉप पे आ चुके हैं, ये मेरी शॉप है फ्रेंड्स, और ये अभी हम लोग फिशेस का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। ये प्रांजल अभी पैकेट्स खोल रहा है, इसको रिलीज़ कर दिया। फ्रेंड्स कभी भी आप मार्केट से अगर फिशेस लाते हैं अपने घर पे तो उन्हें उनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट देख के आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नई फिशेज आती है तो मैं उसका भी ब्लॉग आपके लिए बना के डाल दूंगा।